नमस्कार, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है एस्केज टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि राइट टू हेल्थ क्या है। आखिर कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि राइट टू हेल्थ क्या है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। राइट टू हेल्थ बिल से आम लोगों को क्या होगा फ़ायदा, तो हम आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल के जरिए आम नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने का प्रयास है। इसके लागू होने के बाद कई डॉक्टर और अस्पताल इलाज के लिए मरीज से इनकार नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के पास यदि पैसा नहीं है तो उनके पैसा, अगर चिरंजीवी बीमा भी नहीं है तो राज्य सरकार इनका भुगतान करेगी। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इस राज्य के किसी भी निवासी को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से अब मना नहीं कर सकेंगे। हालांकि निजी डॉक्टर इस कानून को लेकर राज्य सरकार से उलझे हुए हैं और उनका कहना है कि इस कानून के कारण उनके कामकाज में नौकरशाही का दखल बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम अड़चनों के बीच इस बिल को पास करने का फायदा क्या है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में मिल सकता है फायदा क्या? क्या कांग्रेस का ये दाव है या चुनाव में नई लहर की वजह ये बनेगा बिल? दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ये जानते हैं कि आखिर बिल में ऐसा क्या है जो हो रहा है विरोध। मुफ्त इलाज राइट टू हेल्थ बिल के अनुसार राज्य का कोई भी निवासी आपातकाल के दौरान किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। वहीं आपको बता दें कि नियम में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी कब और कैसे तय की जाएगी, इसका कोई दायरा तक नहीं है और ऐसे में कोई भी मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर मुफ्त में इलाज करवा सकता है। इलाज करने से मना कर दिया तो क्या होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार इस कानून को सभी सरकारी और निजी अस्पताल को मानना होगा और अगर राइट टू हेल्थ का उल्लंघन होता है तो किसी भी अस्पताल में इलाज करने से किसी डॉक्टर या उस हॉस्पिटल ने मना कर दिया तो उस हॉस्पिटल को 10 से 25 हज़ार तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि मुझे प्रसन्न है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अत्यंत सहमति बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच रिलेशनशिप पूर्ववत रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और फिर जानते हैं और नए वीडियो के अंदर। नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट टू हेल्थ की पूरी जानकारी आपको उम्मीद करता हूं कि मिल गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को अंत तक दोबारा देख ले आप, ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि राइट टू हेल्थ बिल से अब कई डॉक्टर मना नहीं कर सकते। आपको ब्यूरो रिपोर्ट, एस के द टीवी।